कैसे हल्के हल्के खा रहे हो मोदी जी? तुम सिर्फ हरी चटनी से ही खा रहे हो क्या? हरी चटनी तुम्हें पसंद आ रही है? अरे मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये मटर पनीर बनाया है, ये तो खाओ। अरे राहुल ठंडा पानी लेने गया है, आता होगा वही तुम्हें खिलाएगा। अरे ऐसी बात नहीं है सोनिया जी, तुम्हारा मटर पनीर बहुत बढ़िया है। तुम्हारे मटर पनीर की 6 प्लेटें खा चुका। 6 प्लेटें खाने के बाद अब मैंने सोचा थोड़ा तीखा मुँह कर लूँ तो हरी चटनी से खा रहा हूँ। कितना मटर पनीर खिलाऊंगी? क्या पूरा पेट मटर पनीर से ही भर दूंगी? ये और तुमने चटनी बनाई है, इसको भी तो चख लेने दूं। ओए होए मजा आ गया सोनिया जी, मजा आ गया। क्या गजब स्वाद था तुम्हारे मटर पनीर का, इतना प्यारा मटर पनीर बनाती हो तुम। ऐसा मटर पनीर मैंने आज तक नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया कहीं पर भी। योगी जी तुम्हें कैसा लगा मटर पनीर? और मुझे तो मटर पनीर बहुत ही बढ़िया लगा, लेकिन इनके हाथ की चटनी भी बहुत प्यारी है। मैं तो हरी चटनी से खा रहा हूँ, जो इन्होंने हरी मिर्च की चटनी बनाई है, मुंह साफ हो गया, बहुत ही बढ़िया। मटर पनीर का तो जवाब ही नहीं था, लेकिन हरी मिर्च की चटनी भी बहुत ही बढ़िया है। थोड़े चावल और देना सोनिया जी, थोड़े चावल और देना। लो, क्या मैं मना कर रही हूँ देने को? और लो चावल। सोनिया जी मैंने खाना इतना खाया, जितनी सफाई से तुमने मुझे खाना खिलाया इतना किसी ने नहीं खिलाया। क्या दावत की है तुमने, मजा आ गया मुझे, मजा आ गया। और सोनिया जी हमारे यहाँ पर भी दावत खाने आना अब तुम। तुमने तो हमें खिला दी, अब हम तुम्हें दावत करते हैं। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 3, 2, 1 अरे मोदी जी 2000 दियों का ऑर्डर देना है, क्या 2000 दिए बन सकते हैं? दिवाली आने वाली है, 2-3 महीने रह गए, मैं दियों को स्टॉक में रखूंगा, फिर दिवाली के टाइम पे बेचूंगा, 2000 दिए मेरे बना दो। अरे योगी जी तुम लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, अभी मेरा दिवाली तक बिल्कुल हाथ खाली नहीं है। 5000 दिए मुझे अमित शाह के बनाने, 2000 उसके बाद केजरीवाल के बनाने, फिर राजनाथ सिंह भी ऑर्डर दे गए, इनके बाद अगर टाइम मिला तो तुम्हारे बना दूंगा। अभी तो फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी दिए बनाने का, दिवाली तक यही इन्हीं तीनों लोगों का ऑर्डर हो पाएगा, तुम्हारे मुश्किल से बन पाएंगे। वैसे मैं तुम्हें लल्ले में नहीं रखना चाहता, तुम दूसरी जगह बनवा लो, मैं अकेले काम भी नहीं कर पा रहा था। देखो अखिलेश को रखना पड़ा है, मैं दिए बनाता हूँ, ये सूखने के लिए रखता है एक एक करके। अरे अखिलेश तेजी से सीधे करके रखो, मैंने कितने दिए बना दिए और तुम अभी तक सही करके नहीं रख पाए हो, रखो जल्दी जल्दी। अरे मोदी जी मैं कितनी तेजी से दिए सीधे करूं? मैं 10 दिए सीधे कर पाता हूं, इतनी देर में तुम 100 दिए बना देते हो, ऐसे बताओ तब तक मैं सीधे करूंगा? ये तो ढेर लगता जा रहा है, सीधे हो ही नहीं पा रहे। अरे मोदी जी इन योगी जी का ऑर्डर ले गुना लो, बेचारों का 2000 दिए बना दो, जब ये कह रहे हैं इतने प्यार से आए ऑर्डर देने के लिए। अरे मोदी जी अब तो अखिलेश भी कह रहा है 2000 दियों की तो ही बात है, बना दो मेरे दिए, बना दो, हाँ कर दो। चलो ठीक है तुम्हारे बना दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो, जल्दबाजी मत करना, अमित शाह केजरीवाल और राजनाथ सिंह इन तीनों के बाद बनेंगे तुम्हारे दिए, पहले इनका ऑर्डर पूरा होगा, समझे? और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 3, 2, 1 ओहो मोदी जी क्या बात है तुम्हारी इस आइसक्रीम का, ये 3 रंग वाली आइसक्रीम, ये खाकर तो मजा आ गया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्वाद है, बहुत ही बढ़िया। एक ऑरेंज वाली निकाल दो। योगी जी मेरी आइसक्रीम का स्वाद तो ऐसे ही होता है, प्योर नेचुरल। मैं ऑरेंज वाली में प्योर ऑरेंज का जूस मिलाता हूँ और मैंगो वाली में प्योर मैंगो का, समझे? और बनाना वाली में प्योर बनाना का। प्योर नेचुरल जूस मिलाने की वजह से मेरी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया होती है। अखिलेश तुम क्या कह रहे हो, कैसे खड़े हो हाथ फैलाए? मोदी जी एक मैंगो वाली आइसक्रीम दे दो, लेकिन पैसे नहीं है इतना समझ लो, पैसे कल मिलेंगे, आज पैसे जरा मैं घर भूल आया, कल को दे दूंगा मैं तुम्हें, जरूर ध्यान से दे दूंगा। अखिलेश बुरा मत मानना, उधार का कोई चारा नहीं है मेरे पास, उधार नहीं देता मैं बिल्कुल भी, जाके घर से पैसे ले आओ फिर ले लेना। लेकिन मेरा घर तो बहुत दूर है, इतनी दूर से मैं कैसे लाऊंगा? जब तक लाऊंगा तब तक तुम चले जाओगे। अरे मोदी जी दे दो एक अखिलेश को उधार दे दो और एक मुझे भी उधार दे दो, मैं भी उधार के ही चक्कर में बैठा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल। अरे अखिलेश को तो मैं दे भी दूं, लेकिन अमित शाह तुम तो कोई काम ही नहीं करते, ऐसे बैठे रहते हो। तुम्हें अगर मैंने आइसक्रीम उधार दे दी तो तुमसे तो 2 साल पैसे मिलने को रहे। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 3, 2, 1
अरे मोदी जी, तुम चाशनी से जैसे ही जलेबी निकाल रहे हो और उस जलेबी से जैसे ही रस की एक एक बूंद टपक रही है, वैसी मेरे मुंह से पानी टपक रहा है। तुम्हारी जलेबी का जवाब नहीं है, दूर दूर तक मशहूर है तुम्हारी जलेबी। बना दो 1 किलो जलेबी, अभी तो आधा ही किलो हुई है, जल्दी बना दो मोदी जी। अरे अखिलेश, मेरी ये जलेबी बढ़िया होगी नहीं, समझे? प्योर देसी घी में बनाता हूँ, प्योर देसी घी में, इसीलिए दूर दूर तक मशहूर है और साफ सुथरा तरीके से बनाता हूँ। 40 साल से काम कर रहा हूँ इस जलेबी का मैं, और तुम मैं ही खड़े हो जाती हूँ आके, बिल्कुल सुबह होते ही आग तुम्हारी यहीं पे खुलती है। 1 किलो जलेबी लेती हूँ, ऐसी थोड़ी लेती हूँ, मेरी जलेबी अच्छी है तभी तो लेती हूँ। योगी जी, इन अखिलेश की कितनी जलेबी हो गई, ये कब से खड़े हैं, इनकी पूरी नहीं हुई अभी तक। ये चाशनी से जो मैंने निकाली है, ये तोल के इनकी पूरी कर दो। अरे मोदी जी, इनकी जलेबी तो बहुत देर की पूरी हो जाती है, लेकिन ये खड़े रहते हैं, तुम्हारी जलेबी की खुशबू लेते रहते हैं, समझे? ये बेफालतू में खड़े रहते हैं, खाली मजे लेते रहते हैं खड़े खड़े। और मोदी जी, जो अमित शाह जी ने 50 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया था, क्या करें, उनकी जलेबी आज बनाएं या कल बनाएं? योगी जी, उनकी जलेबी कभी नहीं बनाएंगे, उन्होंने पिछली बार 1 क्विंटल जलेबी ली थी, उसके पैसे आज तक नहीं दिए, तो हम अब आगे और क्यों फंसे, हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे उनकी जलेबी। पिछला पैसा दे दे, ये वाली जलेबी ले ले, समझे? उनसे कह देना पिछली बकाया पूरी करो, तभी ये 50 किलो जलेबी मिलेंगी। और भाई लोगों, अगर मेरी जलेबी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 3, 2, 1, go। अरे मोदी जी, हम चिमटे की वजह से कब से परेशान है, हमारे घर में खाना नहीं बन पा रहा है, डिंपल के हाथ जल रहे हैं, लेकिन तुम चिमटा बना कर ही नहीं दे रहे हो। आज मैं पापा मुलायम सिंह जी को लाया हूँ, तभी तुमने चिमटा बनाना चालू किया है, नहीं तो आज तक तुम चिमटा बना ही नहीं रहे हो। रोज मैं कहता था, आज मुझे पापा को लाना ही पड़ा। अरे अखिलेश, इन्हें क्यों ले आए, खाली इनका नाम ही ले देते तो हम चिमटा बना देते, इन्हें लाने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे मोदी जी, लाने की जरूरत कैसे नहीं थी, अगर तुम अखिलेश की बात से बना देते चिमटा तो मुझे आना ही क्यों पड़ता। आज जब मैं आया हूँ तभी तुमने चिमटा बनाया है, रोटी एक टाइम की नहीं मिल रही, चावल ही खाना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं मुलायम सिंह जी, कभी कभी होता है, ऐसा होता है, मेरा भी चिमटा एक बार खो गया था तो मेरे हाथ जल गए थे, रोटी बनाते बनाते हाथ से ही रोटी को पलटना पड़ता था, बड़ा दिक्कत होती थी, छाले पड़ गए थे बिल्कुल। मुलायम सिंह जी, टेंशन मत लो, मैंने ऐसा चिमटा बनाया है जिंदगी भर टूटेगा ही नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना कर दिया है, खुश रहोगे जिंदगी भर इसे देख देख कर। वैसे मोदी जी, हमारे बच्चे अखिलेश का थोड़ा ध्यान रखा करो, समझे? तुम उसका ध्यान ही नहीं रखते हो, उसकी बात को बात नहीं समझते हो, अगर उसकी बात तुम समझते तो चिमटा एक ही बार में बना देते। चलो ठीक है, चिमटा दो, चलते हैं हम। 3, 2, 1, go। ओए, क्या बात है तुम्हारे हलवे की द्रौपदी जी, क्या बात है, एक हलवा मैंने तुम्हारा पहले खाया था, एक अब खा रहा हूँ, अब तुमने मेरी हलवे की दावत की है राष्ट्रपति बनने की खुशी में, राष्ट्रपति बनने के बाद तुम्हारे हलवे का टेस्ट तो और बढ़िया हो गया, क्या बात है तुम्हारी द्रौपदी मुर्मू जी। खाओ मोदी जी खाओ, ये पूरा कढ़ाई भर के हलवा मैंने तुम्हारे लिए तो बनाया है, सूजी का हलवा बनाया है, समझे? पहले मैं राष्ट्रपति नहीं थी वो भी ऐसा हलवा बनाती थी, अब राष्ट्रपति बन गई हूँ वो भी ऐसा ही बना रही हूँ, लेकिन हलवा मैं हमेशा अच्छा ही बनाती हूँ। अरे मोदी जी, ये अखिलेश थोड़ा हलवा मांग रहा है, इसे दे दूँ क्या? अरे मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी से थोड़ा सा हलवा दिलवा दो, क्या पूरा कढ़ाई भर के हलवा तुम ही खा जाओगे? एक प्याली हलवा दिलवा दो, समझे? वो तुमसे पूछ रही है, दिलवा दो। अखिलेश, अभी मेरा पेट पूरा भरा नहीं है, मेरे पेट में थोड़ी कसर रह गई है, थोड़ा सा 2 प्याली और खा लूं, जो बचे फिर ले लेना तुम, अभी तो मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी, 2 प्याली और खा लूं, उसके बाद जो भी बचे वो सब अखिलेश को दे देना, अब तुम राष्ट्रपति बनी हो तो इनका भी मुंह मीठा करा दिया जाए। तुम कह रहे हो मोदी जी अखिलेश को हलवा दे दो तो दे देती हूँ, वैसे तो मैं बचा हुआ हलवा टिफिन में करके योगी जी के लिए दे देती, तुम उन्हें दे देते, चलो उन्हें बात को खिला दूंगी मैं, अखिलेश को ही दे दूंगी बचा हुआ हलवा। और भाई लोगों, मेरे राष्ट्रपति बनने की खुशी में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।